भाजपा के आरएसएस के इस देश के ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी का मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों के दंगा और फसाद में हमारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और एससी एसटी ओबीसी के लोग किसी मापदंड में हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं है, ओबीसी हिंदू नहीं है, नहीं है। मैं चुनौती देता हूं ब्राह्मणों को, कौन से धर्म शास्त्र में तुम्हारे एससी एसटी ओबीसी को हिंदू लिखा हुआ है बताओ। कई साल पहले मैंने पुणे में ब्राह्मणों की चुनौती दिया था, बताओ आज तक 10 साल हो गए ब्राह्मणों को मालूम है वामन मिश्रम बोल रहा क्या? हाँ, वो बगैर सबूत के बोलता ही नहीं। कोई ब्राह्मण मेरे इस किसी सवाल का जवाब नहीं देता। जवाब क्यों नहीं देता? बोलता चुप रहना है ठीक है, नहीं तो लाल करेगा। तो मेरे सवालों का कभी जवाब नहीं देते, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, किसी ब्राह्मण ने आज तक जवाब नहीं दिया कि तुम्हारे किस धर्म शास्त्र में हम लोगों को हिंदू लिखा हुआ बताओ। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये सारे संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ है, ये हिंदी में नहीं है। संस्कृत में हिंदू शब्द नहीं है, हिंदी में हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है काला, चोर, हरामखोर। तो ब्राह्मण हमारे गली में आते हैं, हमारे बस्ती में आते हैं और हमारे लोगों से कहते हैं, गर्व से कहो हम चोर हैं, गर्व से कहो हम काले हैं, काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ब्राह्मण लोग हमारे बस्ती में आकर हमसे ही कहलवाते, गर्व से कहो हम हिंदू है। काहे के हिंदू रे, है काहे के हिंदू? हम लोगों को गालियां देते हो, दिलवाते हो और हमसे ही कहलवाते हो साले गर्व से कहो हम हिंदू है। ब्राह्मण को पूछो कौन है ब्राह्मण, कभी नहीं कहता हिंदू। ब्राह्मण को पूछो, रेल में मैं जा रहा था, एक पंडित हाक रहा था, पंडित को हाकने की बहुत ज्यादा ये है। अब मैं उसके बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसका ध्यान गया कि सारे लोग मैं गधे बना रहा हूं, ये आदमी साला ध्यान नहीं दे रहा, ये आदमी कौन है? उसने मुझे आवाज लगाई, अरे इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे। मैंने कहा पंडित जी विचार कर लो, मैं ध्यान देना चाहिए ऐसा लगता है आपको? हाँ ध्यान देना चाहिए, देखो विचार करो, है नहीं देना चाहिए? अच्छा चलो बताओ, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से कौन से? तो उसने कहा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। तो मैंने कहा ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा, आप ब्राह्मण धर्म के बता रहे हो, मैं आपको ब्राह्मण धर्म के पूछ रहा हूं, आप हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म के नहीं पूछ रहा हूं, हिंदू धर्म के पूछ रहा हूं, आप ब्राह्मण धर्म के बता रहे हो। क्या बोलता है? हिंदू धर्म ब्राह्मण एक है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म एक है। अब उसको मालूम नहीं था किसके पाला पड़ा उसका। फिर मैंने तीसरा सवाल पूछे, पंडित जी हाँ ठीक है आपकी बात मान लेता हूं एक है, तो फिर ब्राह्मण धर्म का प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम से क्यों नहीं कर रहे हो, हिंदू धर्म के नाम से क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण धर्म को छुपाकर हिंदू धर्म के नाम से क्यों कर रहे हो? अगर ये ब्राह्मण धर्म है तो ब्राह्मण धर्म का प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम से करो। उसको समझ में आया साला ये पकड़ रहा है मुझे, ये जाल में मुझे फंसा रहा है। तो मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय क्या पूछ रहा, आप कौन हो? मैं पहले कहा था, मैंने कहा पंडित जी कि मैं शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए चर्चा में, हैं? तो आपने कहा होना चाहिए, तो अब क्यों पूछ रहे हो कौन हो? इंसान हूं? नहीं, इंसान तो मुझे दिख रहा है मगर उसको मालूम हो गया
कि अगर मैं ये कहूं कि ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है और ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करूंगा तो दूसरे लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग कहेंगे अगर ये ब्राह्मण धर्म है तुम्हारा है, तुम देखो हमें क्या लेना देना है। सारे एससी एसटी ओबीसी के लोग यार आजाद हो जाएंगे। हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी के लोग गधे बने हुए हैं और ब्राह्मण उनको हिंदू के नाम पर गधा बना रहा है। इसलिए ब्राह्मण मेरे से झंझट नहीं करते, बोलते नहीं नहीं ये छोड़ो, ये पागल आदमी है, इसको छोड़ो, बाकी को पकड़ो।